आज हम बनाने वाले हैं तोरी आलू की बेसिक सी सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से। जिसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर गर्म करने के लिए। उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है, 1/2 टेबल स्पून जीरा एंड 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/4 चम्मच हींग डाला है सुनहरा होने के बाद, 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 कटी हुई तोरी बारीक नहीं करनी है, 1/2 इंच के टुकड़े काट कर डालने हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको हमने चॉप कर लिया है धुलकर, इसी के साथ ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद 1 गिलास से थोड़ा कम पानी डालेंगे और ढककर इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे। एक से दो बार बीच में खोलकर हम चेक करेंगे। सब्जी पकने के बाद कटी हुई धनिया पत्ती डालकर गार्निश करेंगे। हमारी आलू और तोरी की सब्जी बनकर तैयार है। यह सब्जी बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसे कोई भी बना सकता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल महिमाज रसोई, और मिलते हैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।